खबर बताओ पहले। बड़ी खबर इस वक्त की, जिस खबर का इंतजार लगभग बरसों से हो रहा था और चर्चा हवा में होती थी, प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार भी दे दिया गया चुनावों के मद्देनजर। तो अब सोनिया गांधी, गांधी परिवार की एक और सदस्य की कांग्रेस में एंट्री हुई है और ये आप कह सकते हैं कि बहुप्रतीक्षित जो इंतजार था वो पूरा हुआ है, खासतौर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मांग लगातार रहती थी। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर यही है। अब हालांकि प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में हमेशा से सक्रिय रही हैं, चुनाव प्रचार करती रही हैं, लेकिन अब औपचारिक तौर पर प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रांत, कांग्रेस को कितना फायदा प्रियंका के आने से? जी देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस से सीटें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में छोड़ी थी, उसके बाद राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से लगातार कह रहे थे कि मैं 440 वोल्ट का करंट दूंगा उत्तर प्रदेश के लिए, और इसके बाद ये फैसला आया है कि प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई है और उनके साथ ही सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। गुलाम नबी आजाद जो प्रभारी उत्तर प्रदेश के होते थे उनको वहां से हटाकर हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया है, एक बड़ा फेरबदल किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनके राजनीति में आने की खबरें बहुत अरसे से चल रही थी, 2017 के चुनाव में भी कहा जा रहा था वो आएंगी, फिर कहा जा रहा था इस चुनाव के पहले उनका आना होगा और तमाम ऐसे कयास लग रहे थे, लगातार ये कहा जा रहा था, राहुल गांधी सबसे यही कह रहे थे जब से सपा बसपा का अलायंस हुआ है कि मैं कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, आप इंतजार कीजिए। अच्छा, और आप बड़ा वही था विक्रांत, अब कितनी संभावना की चुनाव भी लड़ेंगी प्रियंका जी? सही सवाल दोहराएंगे, इस बात की कितनी संभावना कि अब चुनाव भी लड़ सकती हैं प्रियंका जी? देखिए, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, ये तय है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रायबरेली गांधी के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी ये फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन जो जिम्मेदारी प्रियंका को दी गई है वो पूरी उत्तर प्रदेश की दी गई है, तो इसलिए अभी इस पर कयास लगाना उचित नहीं होगा। विक्रांत, ये समझाइए हमें और हमारे दर्शकों को, कांग्रेसी कार्यकर्ता हमेशा कहते थे, कांग्रेस के नेता हमेशा कहते थे कि ध्रुव का इक्का है प्रियंका, जिस दिन प्रियंका आई कांग्रेस में नई जान आ जाएगी, नई जान फूंक देंगी। अब महासचिव बनने के बाद किस तरह से देखते हैं आप? ये देखिए, जहां तक गांधी परिवार और कांग्रेस की सियासत का सवाल है, सोनिया गांधी ने उत्तराधिकारी राहुल गांधी को तय कर लिया, राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए, राहुल गांधी पार्टी में स्टैब्लिश हुए, राहुल गांधी को जब 3 राज्यों में जीत मिली उसके बाद प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है कांग्रेस की राजनीति में और राहुल गांधी के नीचे प्रभारी महासचिव बनाया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कार्यभार देखेंगी, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी भी, कांग्रेस भी और गांधी परिवार के जो तमाम सलाहकार हैं वो इस पर लगातार देख रहे थे कि कैसे पहले राहुल गांधी स्टैब्लिश हो जाए, राहुल गांधी कद बढ़ जाए, राहुल राजनीति में देखें और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य आता है वहां कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी पीछे होंगी, राहुल गांधी के ठीक पीछे होंगी। लोकसभा चुनाव में प्रियंका के आने से कांग्रेस को कोई बल, कोई फायदा? विक्रांत, देखिए कांग्रेस ने यही उम्मीद लगाई इस उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा ने उसके लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी और लगातार कांग्रेस कहती रही तुरुप इक्का है हमारा, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता प्रियंका को लाने की बात करते रहे और खुद प्रियंका गांधी ने हमसे अमेठी में बातचीत जो हुई थी 2014 के दौरान उस वक्त कहा था कि अभी तो नहीं, मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए, स्टैब्लिश हो जाए, राजनीति में लेकिन आऊंगी, तो उस सबसे लगातार एक कयास लगाए जाते रहे। 2017 में भी प्रियंका गांधी को पूरे प्रदेश में लाने की तैयारी की जा रही थी लेकिन तब चूंकि चेहरा अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री का तो वो उस वक्त रोक दिया गया और अब जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, अमेठी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर राहुल गांधी आने वाले, लगातार जगह जगह पोस्टर लगे हैं कि अमेठी का MP देश का PM विजेता राहुल गांधी, 3 राज्यों में जीतने के बाद पहली बार अमेठी आ रहे थे, यहाँ से एक संदेश है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश कमजोर है, वहाँ की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के पीछे खड़ी रहे, उत्तर प्रदेश को देखें, राहुल गांधी पूरे देश को देखें, ये रणनीति है कांग्रेस पार्टी की और जो लगातार इंतजार कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार करते रहे कि प्रियंका गांधी आएंगी उत्तर प्रदेश में, सब मजबूती आएगी, तो वो दांव कांग्रेस पार्टी ने चल दिया है। विक्रांत, इंदिरा गांधी की छवि लोग और खासतौर से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका में देखते हैं,
और उस छवि को भुनाने की हमेशा से बात होती रहती थी, उस छवि का कितना फायदा मिलेगा? ये देखिए, आपको पीछे ले जाऊं, जब पहली बार सोनिया गांधी रायबरेली चुनाव लड़ने गई, सॉरी माफ कीजिएगा, जब सोनिया गांधी की जगह सतीश शर्मा रायबरेली चुनाव लड़ने गए, सोनिया गांधी अमेठी से लड़ी, पहला चुनाव था 1998-99 में। उस वक्त में ये माना जा रहा था कि काफी कठिन होगा सतीश शर्मा के लिए को हराना, लेकिन उस वक्त में प्रियंका गांधी ने आज से 20-21 साल पहले वहां की जनता के बीच एक ही लाइन कही थी कि जिस मेरे पिता की पीठ में छुरा भोंका है, क्या आप उसको वोट देंगे? और जहां कांग्रेस उसके पहले जमानत जब्त थी, वहां पर सतीश शर्मा, कैप्टन सतीश शर्मा गांधी परिवार के करीबी, वो चुनाव जीत गए थे। तो प्रियंका गांधी को लेकर के लगातार कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता जो बुजुर्ग हो गए, जैसे हंसराज भारद्वाज हैं, वो लगातार कहते रहे कि प्रियंका गांधी बहुत पोटेंशियल है, उनको राजनीति में आगे आना चाहिए, वो अब राजनीति में कांग्रेस से दूर हैं, कांग्रेस से अदावत भी है उनकी, तमाम बयान देते हैं, लेकिन वो भी प्रियंका गांधी की बात करते रहे। तो ऐसे में जब 2019 कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी लड़ाई है, जिस तरीके से तमाम हलल को लेकर के, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, एक बड़ा कद बना हुआ है, और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि 19 में प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनने से, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने आप कह सकते हैं कि जो उसके पास आखिरी दांव बचा था अपने सबसे कमजोर हो चुके उत्तर प्रदेश में, वहां पर उसने अपना वो दांव चल दिया है। और लगातार जिस तरीके का प्रियंका गांधी का साड़ी पहनने का तरीका है, जिस तरीके का बाल रखने का तरीका है, उसमें वो भी कोशिश करती है कि इंदिरा गांधी की छवि उनमें दिखे। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो हमेशा लगातार ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी में प्रियंका गांधी की छवि दिखाई पड़ती है। ये बहुत ही अरसे से ये बात सबके बीच चर्चा का विषय रही है। औपचारिक तौर पर अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद विक्रांत, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही हम लोकसभा चुनाव में प्रियंका की सक्रियता देखेंगे या देश भर में प्रचार करती हुई दिख सकती हैं प्रियंका? देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें प्रियंका गांधी का पूरा जोर उत्तर प्रदेश पर होगा और राहुल गांधी प्रदेश को प्रियंका के हवाले छोड़कर पूरे देश में प्रचार करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से भले ही आधिकारिक तौर पर ना कहा जाए, क्योंकि बाकी लोगों को नाराज करना, कुछ देर के लिए रोक रहे, आगे और बातचीत करेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, महासचिव बनी है प्रियंका, किस तरह से देखते हैं आप इस बात को, कितना फायदा कांग्रेस को आपके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रियंका का लाना सही है? हमारा संपर्क अखिलेश प्रताप सिंह से इस वक्त नहीं हो पाया, लेकिन बड़ी खबर कांग्रेस के भीतर से इस वक्त आ रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी की बेटी, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त करके उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि प्रियंका का सक्रिय राजनीति में उतरना, हालांकि वो लगातार प्रचार करती रही हैं, कम से कम दो सीटें अमेठी और रायबरेली में उत्तर प्रदेश में कभी कभी नजर आती थी, लेकिन पूरे तो खुलकर और साफ तौर पर प्रियंका कभी भी राजनीति में नहीं उतरी, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया है लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ महीने बचे हैं, बिल्कुल लोकसभा चुनाव अगले महीने, तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है। अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को महासचिव बनाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश का उन्हें प्रभार देना, ये एक बहुत बड़ी खबर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये जोश भी भरेगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। राजदीप जी, कितना बड़ा फायदा या प्रियंका के आने का इस बार कांग्रेस पार्टी में किस तरह का अलग असर आप 2019 में देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है सईद, इस बड़े फैसले से कांग्रेस ने एक बड़ा रिस्क भी लिया है, क्योंकि एक तरफ मायावती और अखिलेश का अलायंस है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरह से अपनी ताकत यूपी में झोंक रहे हैं। क्या कांग्रेस वाकई तीसरी शक्ति होकर उभर कर आ सकती है? क्या प्रियंका के आने से कांग्रेस, जो अगर आप देखें 2017 के चुनाव में पूर्व उत्तर प्रदेश में भी लगभग खत्म हो गई थी, केवल 6-7% वोट उन्हें मिले थे, क्या ऐसी पार्टी केवल प्रियंका गांधी से आने से इस त्रिकोणी लड़ाई में क्या आगे निकल सकती है और किसको डैमेज करेगी? सबसे बड़ा ये सवाल है आज की तारीख में। अगर प्रियंका के आने से कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो वो वोट कहाँ से मिलेंगे? क्या भाजपा के वोट होंगे या बसपा
और सपा के एंटी बीजेपी वोट होंगे। मुझे लगता है कांग्रेस ने एक बड़ा गैम्बल लिया है, लेकिन जरूर ये बात सही है कि इससे कांग्रेस के वर्गों में खास करके अमेठी रायबरेली में उत्साह बढ़ेगा। लेकिन क्या वो उत्साह पूरे पूर्व उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है सईद, क्योंकि कांग्रेस अगर आप चुनावी नतीजे देखें, 2009 का एक चुनाव आप छोड़िए, बाकी चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कुछ खास सर नहीं। आशा का संचार लोगों में होगा और लोग दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में, न केवल पूर्वी क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि केवल यद्यपि उन्हें पूर्वी क्षेत्र का महासचिव नियुक्त किया है, लेकिन प्रियंका जी की उपस्थिति लोगों में जोश भरेगी। अब लगता है लंबे समय से मांग थी कि प्रियंका गांधी को लाया जाए और अब आई हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी कांग्रेस को अकेले लड़ना है, ऐसे में पार्टी को फायदा होगा। राहुल गांधी ने सरप्राइज की बात की थी कि सरप्राइज मिलेगा, ये वही सरप्राइज है, है? राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आपको सरप्राइज मिलेगा, तो क्या ये वही सरप्राइज है जिसका जिक्र वो कर रहे थे? मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने जो कहा वो उस बात को पूरा करते हैं, जो कहते हैं उनको पूरा करते हैं, और प्रियंका जी की नियुक्ति इस बात का संकेत देती है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। चलिए मोतीलाल वोरा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होगा। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बनी है, ये बड़ी खबर 2019 लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने ये एक बड़ा दांव खेला है। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अतुल चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह से प्रियंका का फायदा आपको अतुल जी मिलेगा? देखिए, कार्यकर्ताओं की न सिर्फ उत्तर प्रदेश अपितु पूरे देश के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आए। आज वो मांग पूरी हुई है और आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का गैरथ एक नए जोश के साथ शुरू हो चुका है, जिसकी परिणति 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना के देश को नए विकास प्रगति रास्ते ले जाके होगी। अतुल जी, जब राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने थे तब भी कार्यकर्ताओं की आपकी देश भर से मांग उठती थी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाइए, राहुल गांधी पार्टी में जान। हम आपसे बात करेंगे, लेकिन संजय सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे बात करेंगे। अतुल जी, हम ये जानना चाहते थे कि आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितना देश के मतदाता को प्रभावित कर पाएंगी प्रियंका, और उसका आधार क्या है आपका? प्रियंका जी राहुल जी के लिए एक खास जगह है, वो जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि देश का हित दिल से सोचते हैं। हम लोग बातें नहीं करते, काम करते हैं, और जिसका रिजल्ट आपको अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में दिखा है, और प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा बदलाव आएगा कि ये जो विपक्षी दल हैं इनके होश फाख्ता हो जाएंगे। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप प्रियंका की सक्रियता दिखेगी या पूरे देश भर में दिखाई देंगी, प्रचार करेंगी? आप देखिए ना, आज से ही कार्यकर्ताओं में अभी से जोश शुरू हुआ है। ये कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आसाम से लेके और महाराष्ट्र तक कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बहुत धन्यवाद। लेकिन संजय सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप जी,
क्या आपको लगता है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश या प्रियंका का देश के कांग्रेसी वोटर्स या जनता पर भी असर पड़ेगा कुछ? राजेश भी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव जी बताइए। बड़ी खबर इस वक्त यही है, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को अपना महासचिव नियुक्त कर दिया है लोकसभा चुनाव से पहले। कांग्रेस का ये बड़ा कार्ड है, इसे वो कांग्रेस हमेशा से प्रियंका गांधी को अपना ध्रुव का इक्का बताती रही है। ऐसे में कांग्रेस की एंट्री क्या कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में फायदा दिलवाएगी, कितना असर होगा प्रियंका गांधी का, क्योंकि प्रियंका गांधी को हमेशा इंदिरा गांधी की छवि के तौर पर देखा जाता है और कांग्रेस का ये मानना हमेशा से रहा है कि प्रियंका गांधी जब भी लोगों के बीच जाती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाती हैं, तो उन्हें इंदिरा गांधी की याद आती है और वो इंदिरा की तरह उन्हें देखते हैं। उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका स्टाइल भी उसी तरह का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी अमेठी